डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ए डिज़ाइन इज फॉर्मड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन फिगर। दिस फिगर में फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। यहाँ हमारे पास एक फिगर गिवन है, यह गिवन फिगर, यह डिज़ाइन है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस डिज़ाइनड पोर्शन। एक सर्कल दिया हुआ है हमारा, इस डिज़ाइनड पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया? हम पहले सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया निकाल के हम एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रेंगल, इस इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया हम माइनस करेंगे। अगर हमें पता चलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, उस पूरे सर्कल का एरिया से हम माइनस करेंगे दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, हमें निकलेगा दिस एरिया ऑफ दिस डिज़ाइनड पोर्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी हैव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ ट्रायंगल ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज़ गिवन and O be the center of circle having radius 32 centimeter. It is given, it is 32 centimeter. This is 32 centimeter radius. This O A, this is 32 centimeter. So angle A is equal to angle B is equal to angle C, that is equal to 60, because ABC is an equilateral triangle. That means this angle is 60, angle B is 60 and angle C is 60. Angles of equilateral triangle are same. Also we know that angle at center of circle is twice the angle at the circumference. Ye humne class 9th mein ye theorem ki hai. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे यहाँ सर्कमफ्रेंस पे, इन दो पॉइंटों से अगर हम ड्रॉ करेंगे सर्कमफ्रेंस पे एंगल, वो एंगल और दूसरा एंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे सेंटर पर, ये सेंटर वाला एंगल और इस एंगल के बीच एक रिलेशनशिप है, दैट इज दिस एंगल इज ट्वाइस, अगर ये 60 होगा ये 30 होगा, अगर ये 30 होगा ये 60 होगा, ये ट्वाइस होगा इसका, दैट मीन्स दिस एंगल इज ट्वाइस दिस एंगल, सेंटर वाला एंगल जो है ये ट्वाइस होगा इसका, that is an angle at the center of circle is twice the angle at the circumference. ये हमने थ्योरम की है क्लास 9th। अगर हमारे पास यहाँ एंगल ए दैट इज 60, एंगल ए हमारे पास 60 है, दैट मीन्स एंगल बी ओ सी इज 120, दैट इज एंगल बी ओ सी, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ, this angle becomes 120 degree according to the theorem. Now area of segment BMC iska segment ka hamare paas do tarah ke proofs hain. Agar hum isko हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर हम एरिया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे
थोड़ा बहुत ये मुश्किल है इसका एरिया निकालना। एरिया मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी है इसका एरिया निकालना, ए बी सी। बिकॉज एंड इक्विलेटर, द एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्रेंगल इज अंडर रूट ऑफ 3 / 4 साइड स्क्वायर। हमारे पास साइड इस वक्त नहीं है, साइड निकालने के लिए थोड़ा लेंथी प्रूफ चाहिए इसका। मैं शॉर्ट प्रूफ करूँगा इसको। इसका मैं निकालूँगा ये वाला सेक्टर। अगर हम ये 3 सेक्टर्स हैं इसके, इक्वल 3 सेक्टर्स जो हमने यहाँ लिखा है, 3 इक्वल सेक्टर्स बी ओ बी एम सी, ये एक सेक्टर है, दूसरा है ये ओ सी एन ए, और तीसरा है ए ओ बी पी, ये वाला सेक्टर। ये तीनों इक्वल सेक्टर्स हैं। अगर हमें हमें पता चलेगा इस एक सेक्टर का एरिया, हम उसको माइनस करेंगे ये वाला ट्रायंगल ओ बी ए ट्रायंगल माइनस करेंगे, हमें ये सेगमेंट निकलेगा। फिर हम ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल सेगमेंट हैं। अगर एक सेगमेंट का एरिया हमें पता चलेगा, तीनों सेगमेंटों का एरिया हमें तो डेफिनेटली पता चलेगा। नाउ वी हैव, हम यही प्रूफ करेंगे। तो इसको बहुत सारे प्रूफ्स हैं, दैट इज एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 120। दैट इज नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट बी एम सी। हमारे पास ये बी एम सी सेगमेंट है। बी एम सी सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। जो हमने किया है वो एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये सेगमेंट है हमारा। हम पूरा एरिया एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करेंगे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, दैट इज थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ बी सी। ओ बी सी हमारे पास है, अगर हम हमारे को एक ट्रायंगल दी हुई है जिसके दो साइड्स हमें पता होंगे। अगर हमें इसका ये वाला साइड हमारे पास 32 है, ये भी 32 है, और बीच वाला एंगल जो, अगर दो साइड्स और उसका बीच वाला एंगल हमें पता होगा, उस ट्रायंगल के लिए हमारे पास फार्मूला है, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos θ/2। वही फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई की है, दैट इज थीटा 120/360 × 22/7 और इज 32 × 32 माइनस आर स्क्वायर इज 32 × 32 साइन थीटा। थीटा हियर थीटा इज 120, थीटा इज 120, 120/2 cos θ, दैट इज 120/2। वी गेट, हमने इसको सॉल्व किया है, वी गेट यहाँ हमारे पास है साइन थीटा साइन 60 cos 60। अब इसका वैल्यू हमने दिया, cos 60 का वैल्यू 1/√3/2 और cos 60 का 1/2 और sin 60 का √3/2। हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारा निकला है एरिया ऑफ सेगमेंट। दैट मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट बी एम सी, इसी तरह एरिया ऑफ सेगमेंट ए एन सी निकलेगा, इसी तरह निकलेगा ए पी बी। ये तीनों सेगमेंटों का एरिया इक्वल होगा। एक सेगमेंट का हमें पता चला एरिया, इसी तरह सिमिलरली एरिया ऑफ सेगमेंट सी एन ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी पी, वो इसी सेगमेंट के एरिया के बराबर होगा जो हमने निकाला है। दैट मीन्स एरिया ऑफ द डिज़ाइन, जो हमारे पास यहाँ डिज़ाइन है, एरिया एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना है हमें, ये वाला एरिया, ये निकलेगा 3 times द एरिया ऑफ सेगमेंट, 3 times द एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमने निकाला है यहाँ। हमने मल्टीपल किया है इसका, इसका निकला है 22,528/7 माइनस 768 अंडर रूट ऑफ 3, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 इज, हमारे पास ये एक फिगर दी हुई है, 4 सर्कल्स दिए हुए हैं,
या बीच वाला इनका सेंटर जो है, सेंटर ज्वाइन किया है, एक स्क्वायर बना है। अब जो ये बीच वाला ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया हमें निकालना है। ओके, हमारे पास है ये ए डी जो है, जो साइड है इस स्क्वायर का, यह है 14 सेंटीमीटर। फिर ए बी सी इज इन स्क्वायर ऑफ अ साइड 14 सेंटीमीटर। हम इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालिए हम, वी हैव दिस गिवन फिगर, वी हैव हियर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 14 सेंटीमीटर, जो हमारे पास गिवन है, दैट इज ए बी ए डी इज 14 सेंटीमीटर। देयर फॉर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये हमारे पास, ये हम अब दिस पोर्शन इज 1/4 ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स दिस इज द क्वाड्रेंट। इसका एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना निकलेगा, ये रेडियस, इसका रेडियस निकलेगा, अगर ये 14 है, ये 7 और ये 7, दैट मीन्स रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज 7 सेंटीमीटर। वी हैव एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट थीटा डिवाइडेड बाई 360, हियर थीटा इज 90, बिकॉज क्वाड्रेंट जो है ये एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर कितना, 90 डिग्री, दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। 90 इसका हमने 0 0 कैंसिल, 9 1 जार 9 4 जार 22 डिवाइडेड बाई 7 और इज 7 × 7, वी गेट 77 डिवाइडेड बाई 2 एरिया ऑफ स्क्वेयर। ये एक क्वाड्रेंट का निकला एरिया, अब एरिया ऑफ स्क्वेयर कितना निकलेगा, इस क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4 क्वाड्रेंटों का एरिया। अब एरिया ऑफ स्क्वेयर हमें निकालना है ए बी सी डी, दैट इज साइड स्क्वेयर, दैट इज साइड स्क्वेयर 14 स्क्वेयर। ये हमें निकला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर उसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, बीच में निकलेगा रहेगा हमें एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज 196 जो हमने निकाला है यहाँ, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट दैट इज 4 × 1 क्वाड्रेंट का हमें निकला है एरिया 77 डिवाइड बाई 2, इसका मल्टीपल किया है हमने, हमें निकला है 154, वी गेट 196 माइनस 154 42 सेंटीमीटर। थैंक यू।